ऑर्डर फोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की तरफ हम चलते हैं जनाब। ऑर्डर फोर ये कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। जिस तरह हमें पता है कि हमारा जो क्रिमिनल केस है कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा कोई भी जो क्रिमिनल केस है वो एफआईआर के जरिए से या कंप्लेंट के जरिए से स्टार्ट होता है, इन द सेम वे हमारा कोई भी जो सिविल केस है अंडर ऑर्डर फोर उसका रूल वन वो प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। अब वो अदालत में डायरेक्ट भी हो सकती है बट जनरली अदालत में डायरेक्ट नहीं होती, तो कहां पर चल रही होती है वो एनी ऑफिसर व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। और आपको पता है कि हर एक सिविल कोर्ट या हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और पंजाब में सिविल कोर्ट, तो वहां पर क्या है कि सिविल कोर्ट के अंदर एक आपका जो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार बिठा दिया जाता है या सुपरिंटेंडेंट बिठा दिया जाता है, तो वो क्या करता है वो इस किस्म के मुकदमे वगैरह लेता है। अब यहाँ पर बात तो यह आती है कि ये तो बता दिया कि जनाब कोई भी जो मुकदमा है वो प्लेंट से स्टार्ट होगा। अब वो प्लेंट कैसी होगी, क्या वो ऑर्डर फोर में डिफाइन किया गया तो नहीं, इसी का जो आगे इसका क्लास टू है वो कहती है कि एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन ऑर्डर सिक्स एंड ऑर्डर सेवन सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। तो अगर कोई भी जो प्लेंट होगी ना इसने अपनी जान छुड़वा ली, क्योंकि प्लेंट आपकी होगी किसके मुताबिक होगी, वो आपकी होगी जनाब ऑर्डर सिक्स एंड ऑर्डर सेवन के मुताबिक। तो जो भी आप प्लेंट फाइल करेंगे उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर सिक्स एंड ऑर्डर सेवन। इट मींस दैट ऑर्डर फोर इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑर्डर सिक्स एंड सेवन। किस हवाले से, अपने रूल वन क्लास टू के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर यह तो हमें पता चल गया कि जनाब एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड थ्रू द प्लेंट, लेकिन वो प्लेंट कैसी होगी और किस असूल की बुनियाद पर लिखी जाएगी वो हम आगे चल के ऑर्डर सिक्स और ऑर्डर सेवन के अंदर पढ़ेंगे। रजिस्टर ऑफ सूट्स, द कोर्ट शैल कास्ट द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। सच एंट्रीज शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट आर एडमिटेड। अब अगर आप कोई भी मुकदमा उठाकर देखें उसके ऊपर लिखो होगा 15/2020, तो ये 15/2020 आपको क्या बता रहा है कि इस अदालत में, इस पर्टिकुलर अदालत में 2020 का ये 15वां मुकदमा है, पहले 14 मुकदमे फाइल हो चुके हैं। तो 1 जनवरी हर साल की 1 जनवरी 2020 को क्या होगा, आपका सूट 1/2020 वो फाइल किया जाएगा और आखिरी 31 दिसंबर को जो सूट होगा उसके ऊपर क्लोज कर दिया जाएगा और फिर अगले 1 जनवरी को एक नया कंसेक्यूटिव नंबर। जो लोग प्रैक्टिस के अंदर है उनको पता होगा कि जब भी हम कोई भी दावा फाइल करते हैं तो सबसे ऊपर हम टॉप पर क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कोर्ट लिखते हैं। जब हम टॉप पर नेम ऑफ द कोर्ट लिख देते हैं तो उस नेम ऑफ द कोर्ट के जस्ट बिलो राइट साइड पर या इन द सेंटर हम सूट नंबर लिखते हैं, और ये सूट नंबर कौन लगाता है, ये आपका ऑफिस लगाता है, वो कोर्ट लगाता है या जो सुपरिंटेंडेंट वगैरह होते हैं वो लगाते हैं। और किस तरह लगाते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब साल के पहले दिन से आखिरी दिन तक उस अदालत में जितने भी मुकदमे आएंगे वो कंसेक्यूटिव नंबर के हिसाब से चलते जाते हैं जनाब। उसके बाद एफसी सूट नंबर, जी सर एफसी सूट नंबर होता है जैसे हर एक का अलग होता है ना, अगर आपने फैमिली सूट है तो फैमिली सूट नंबर लिखेंगे, सिविल है तो सिविल सूट नंबर लिखेंगे। और इसके साथ फिर ये तो हम प्लेंट की बात करें, हम आगे नहीं गए ना, अदरवाइज अगर हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसके साथ लिखा जाता है कि जनाब ये एप्लीकेशन है किस चीज की है, एप्लीकेशन नंबर उसको लगा देते हैं। तो ये हर आप जो भी प्लीडिंग देते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाती है। फिर उसमें हाई कोर्ट अमेंडमेंट एंड लाहौर की नोटिफिकेशन नंबर एक उसमें दिया हुआ है कि फॉर ऑर्डर फोर द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, कोर्ट टू बी नंबर फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट, द कोर्ट शैल बी नंबर्ड आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस विद रेफरेंस टू द नंबर्स एलोकेटेड टू देम। अब जैसे हम बात करते हैं ना, मैं आपको सिंपल बताऊँ, हम बलोचिस्तान में कोई भी जो दावा है वो लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्वेटा, डिस्ट्रिक्ट जज जोब, डिस्ट्रिक्ट जज लोरालाई एक्स वाई जेड। बट अगर आप पंजाब में चले जाए, सिंध में चले जाए, तो हमारा मुकदमा कैसे फाइल होता है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फाइल होता है। अब उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर किसी और अदालत की तरफ जाना चाहे तो वो कहता है कि आपने अदालतों के नंबर लगाने हैं, नाम शाम नहीं लिखना। अगर आप कोई मुकदमा लेकर जा रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लेकर जा रहे हैं, तो इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज 3, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज 1, 2, 3, 4, 5, वो ग्रेड नहीं है, उसके कंजेक्टिव नंबर है, जितने सिविल जज किसी भी एक कचहरी के अंदर होंगे, तो कहता है कि वो नंबर आपने उसमें देने हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन सूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू अ कोर्ट आर सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन हिज बिहाफ एंड असाइंड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज ऑन अ ट्रायल जज अंडर द कोर्ट। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, पंजाब की पहले बात कर लेते हैं, पंजाब और सिंध का सेम प्रिंसिपल है, हमारे बलोचिस्तान का थोड़ा सा चेंज है। और जब हम बात करते हैं पंजाब और सिंध के सेम प्रिंसिपल की, तो हमेशा हमेशा दावा फाइल किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज ऑफ पर्टिकुलर, जो भी आपका कचहरी होगा उसका सीनियर सिविल जज।
तो अब सीनियर सिविल जज सारे मुकदमे नहीं सुनता, वो क्या करता है, वो मार्किंग का लफ्ज यूज किया जाता है, वो मार्क कर देता है टू द रेलेवेंट जज, टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, वो मार्क करता है कि भाई ये सिविल जज वन सुनेगा, सिविल जज टू सुनेगा, सिविल जज। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूं कि थ्योरेटिकली हमारे पास कितने कोर्ट्स हैं, तीन किस्म की अदालतें हैं, सिविल जज ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, बट इन प्रैक्टिस कितनी अदालतें हैं, दो। अगर आप इन प्रैक्टिस कचहरी में चले जाए ना, तो या सीनियर सिविल जज की अदालत मिलेगी आपको, या आपको मिलेगा सिविल कोर्ट, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा, सिविल कोर्ट मिलेगा या सीनियर सिविल जज की अदालत मिलेगी। तो हम वो सीनियर सिविल जज, उसके नाम पर वो जब मुकदमा फाइल करते हैं तो सीनियर सिविल जज उसको मार्क करता है। जैसे आप सेशन के सारे मुकदमे जब सेशन कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो सेशन जज के नाम लिखते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करते हैं, उसको मार्क करता है किसी भी एडिशनल को। इन द सेम वे जो आपका सिविल सूट है या अमेंडमेंट जो पंजाब की है, अब हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को फाइल करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज मार्क करता है रेलेवेंट सिविल जज या सीनियर सिविल जज के पास उसको भेज देता है। फिर उसके बाद एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेंट, वो वाली बात उसने फिर वही वापस कर दी कि भाई जो रूल्स है ना 6 और 7 के, हर प्लेंट उसके मुताबिक होनी चाहिए। रजिस्टर ऑफ द सूट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव जज शैल काज द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस एंड कॉल द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, सच एंट्री शैल बी नंबर्ड इन इवन ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच प्लेंट्स आर एडमिटेड। तो अब क्या है कि आप कोई भी जो दावा शावा फाइल करेंगे तो वो दावा क्या होगा, वो दावा आपका चला जाएगा उस रजिस्ट्रार के पास, जो भी आपको सुपरिटेंडेंट वगैरह होगा उसके पास, एक रजिस्टर होगा जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा, जो ओवरऑल उस पूरी कचहरी को एडमिनिस्टर कर रहा होगा, जो सीनियर मोस्ट होगा, तो वो उसके नंबर लगाकर लिखेगा कि मेरे पास ये मुकदमा आया था। और एक्चुअली तो होना ये चाहिए, जो 26A भी ये कहता है कि भाई मार्किंग बाद में होनी चाहिए, कुछ इनिशियल क्वेश्चंस ये मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, जब वो मुकदमा ले, इससे पहले कि वो मुकदमा किसी और को मार्क करे, वो पहले खुद देखे ये बनता भी है कि नहीं बनता, ये मेंटेनेबल है भी या नहीं है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो ये ड्यूटी थी उस जज की, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। और अदरवाइज तो होता तो ये है कि आपको जो इनिशियल स्टे ऑर्डर है, जो इंटरिम स्टे है, वो आपको वही जज देता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, जो मार्किंग के लिए बैठा, तो फर्स्ट हियरिंग वही करता होता है। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसी चीजें कम कम है। प्रैक्टिस में अगर आप मुकदमा ले जाते हैं, डायरेक्ट किसी न किसी को मार्क हो जाता है, और आप उस जज के सामने जाकर अपना स्टे ऑर्डर और जो भी बात करनी होती है वो कर सकते हैं। तो ये आपका जो ऑर्डर 4 है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताता है कि कोई भी जो सूट है सिविल, वो प्लेंट के जरिए से फाइल किया जाएगा, और जब प्लेंट आप लेकर जाएंगे तो जो उसका ऑफिस है या कोर्ट है, वो उसको लेकर एक कंजेक्टिव नंबर लगाएगा, और फिर ये काम चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज। व्हाट इज मेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जज, अलग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज किसी भी अदालत का जो सीनियर मोस्ट जज होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि पंजाब में सीनियर सिविल जज और क्वेटा के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है। मतलब वो सिर्फ जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, बट अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है कि जिसके अंदर वो क्या करता है, जिसके अंदर वो किसी भी केस को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, मार्क इसको कहा जाता है, मार्क करता है टू द रेलिवेंट जज कि ये मुकदमा कौन सुनेगा। ये तो हो गया जनाब हमारा ऑर्डर 3-4। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज के बारे में ऑर्डर 4A भी मौजूद है हमारे पास कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या होता है। The district judge shall designate as many civil judges in the district as administrative judges as are necessary to the disposal of the load of the work with dispatch. लाजमी नहीं कि एक आपका administrative judge हो, more than one administrative judges भी आपके appoint किए जा सकते हैं, और कौन करेगा, district judge किसी को designate कर देगा। The administrative judge shall take and complete pre-trial proceeding in the suit after it has been registered when he is satisfied that the plaint and the written statement complies with the provisions of order 6 and 7. अब कानून यही कह रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज पहले ऑब्जर्व करेगा कि ये प्लेंट ठीक है या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं, और इवन रिटन स्टेटमेंट भी वही लेगा। बट इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ भी अगर कहीं पर है, दैट इज समथिंग एल्स। बट जो अदालतें मेरी नजर से गुजरी है पंजाब के हवाले से या क्वेटा के हवाले से, तो ये चीज बहुत, हाँ कभी कुछ छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी में अगर सीनियर सिविल जज बैठो तो यार, ये माइक काइंडली अपना म्यूट कर ले, माइक किसका ऑन है, किसी का माइक ऑन है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, नॉइज आ रहा है, काइंडली आप लोग अपना माइक जो है वो खुद ऑफ कर लिया करें, मुझे बताना नहीं पड़े। अच्छा जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव जज शैल टेक एंड कंप्लीट प्री ट्रायल प्रोसीडिंग हो गया। द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग इंक्लूड द प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 5, 7, 9, 9A, 9B, 10,
11, 12, 13, 14। अच्छा ये एक बहुत मशहूर क्वेश्चन आता है जिसको अक्सर लोग गलत अटेम्प्ट कर बैठते हैं, और वो क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है राइट अ नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू, उससे पिछली सारी कहानी, ये आपकी क्या है, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है कि जब आप अदालत में गए ऑर्डर वन के मुताबिक आपने पार्टी कोई उसके साथ ज्वाइन करवा दी, ऑर्डर टू के मुताबिक आपने कोई वो सारा क्लेम वगैरह स्टेट कर दिया, ऑर्डर थ्री के मुताबिक आपने वकील अपॉइंट कर लिया, और ऑर्डर फोर के मुताबिक आपने सूट क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। उसके बाद आपने ऑर्डर फाइव के मुताबिक समनिंग कर दी, 6-7 को कंप्लाई विद करते हुए आपने प्लेट फाइल की थी, 8 को कंप्लाई विद करते हुए आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी, 9 के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज हमने देख लिया, इसी तरीके से फिर आगे हमने इंटरोगेटरीज जो भेजनी थी वो भेज दी, और उसके अलावा जो है हमने जब हम पहुंच गए 14 तक तो फ्रेमिंग ऑफ इशू करवा लिया। जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हमारा हो गया तो फ्रेमिंग ऑफ इशू इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिविल ट्रायल। तो अगर कोई पूछे राइट अ नोट ऑन द ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन द सिविल कोर्ट, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू से आगे ऑनवर्ड ट्रायल है। और फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले, जैसे कि यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया है कि आपका ऑर्डर 5, 7, उसके बाद 9, और उसके बाद 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे क्या है, ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, तो आपने ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स है ये सीक्वेंस में डिस्कस करने, दैट व्हाट इज मेंट बाय द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो जैसे हमने क्रिमिनल में पढ़ा था, अगर आपको पहली क्लास में ये किया, तो कुछ लोगों ने ली थी कुछ ने नहीं ली थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एंड द सिविल ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द इशू। जब आपका फ्रेमिंग ऑफ द इशू होता है तो आपका सिविल ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो आपका क्रिमिनल ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अपॉन टेकिंग एंड कंप्लीटिंग हिज प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव जज शैल कास्ट द सूट अलोंग विद द एंटायर रिकॉर्ड प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट बिफोर द ट्रायल जज फॉर इट्स ट्रायल अंडर द कोड। तो फिर जब वो समन वगैरह जारी कर चुका होगा, और अगर पार्टीज आती है तो पार्टीज के साथ, अगर पार्टीज नहीं आती तब भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए वो रेफर कर देगा ट्रायल जज को, जो सिविल जज हो सकता है आपका, या अगर उसकी पिकुलियर ज्यूरिसडिक्शन का मामला है तो वो सीनियर सिविल जज के पास जाकर उसको भेज दिया जाएगा। provided that the administrative judge before sending the suit shall satisfy himself that witness of the parties to the suit enter their appearance before the trial judge on the date when the suit is to be placed before him. The trial judge before commencement of the trial shall cause registration of the suit in the register in civil suits in manner provided in order 4. So, order 4 mein padh ke aayenge, jab koi bhi mukadma hoga to usko register kiya jayega, aur yahan par trial judge ki zimmedari hai ki wo aapse list of witnesses claim kare. Generally list of witnesses ka jo question hai na, as per law वो आता है आपके ऑर्डर 18 के अंदर, बाद में जाके बात करते हैं। बट जब हम बात करते हैं इन प्रैक्टिस, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम कोर्ट्स की ये प्रैक्टिस है कि वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेट आपसे वो कर रहे होते हैं क्लेम के लिए, हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दे। और अगर आपके यहाँ प्रैक्टिस है या नहीं है, तो अगर आपने सिविल प्रैक्टिस कर दी और अपनी जान छुड़वा दी ना, तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी आप कभी दावा फाइल करें उस दावे के साथ ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वो एनेक्स करें, और वो एनेक्स करने के बाद आप क्या करें, उसके साथ जो भी आपकी जरूरत जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है और जो उन गवाहों के बयानात हैं, वो तमाम चीजें एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट लगा दे। उसका फायदा क्या होगा, बाद में आपके लिए कोई भी जो लेंथी प्रोसीडिंग है वो नहीं होगी, और प्रोसीडिंग को खींचना है तो फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं लगाए, प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, वो लेंथी होती चली जाएगी। तो ये हो गया ऑर्डर 4 और ऑर्डर 4A। आगे आता है ऑर्डर 5, लेकिन ऑर्डर 5 है समझ।